गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हम हाथ से यानी कि मतलब इस हाथ से हम धुआं निकाल के दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि धुआं कैसे कैसे निकलता है। जैसे धुआं एक हमारे आग से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है और शायद फैक्ट्रियों से निकलता है और एक्सेट्रा और कहीं से भी निकलता होगा। तो आज हम इस एक्सपेरिमेंट में हाथ से धुआं निकाल कर आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट की मजा देते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक मैचेस बॉक्स लेंगे, माचिस, और फिर इसका ये निकाल लेंगे। ये हमारा रेड फॉस्फोरस है, इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे निकालते हैं। इसे निकालना बहुत आसान है, इसे सीज़र से काट के हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह। आसानी से निकाल देते हैं। यह हमारा पहला निकल चुका है, अब हम निकालते हैं दूसरा। यह हमारा दूसरा भी निकल चुका है और शायद इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर उठाते हैं इसे और इसे हम हल्का हल्का बैंड कर देते हैं, जैसे कि ऐसे मोड़ देते हैं इसको। शायद कैमरा में अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इसका एक लेयर निकाल देते हैं। ये तो शायद मैचेस बॉक्स बनाने के लिए लेयर था, लेकिन हम इसका एक लेयर ऐसे एकदम धीरे धीरे ऐसे निकाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे ये लेयर निकल चुका है। और हल्का सा इधर से भी निकाल देंगे। तो ये हमारा रियल निकल गया है लेयर। फिर इसे हम हल्का हल्का बैंड कर देंगे। अभी दिखाता हूँ आपको बैंड करके। तो देखिए इस तरीके से हम बैंड कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे। फिर इसे हम उठाएंगे। इसका भी हम एक पार्ट निकाल लेंगे आसानी से। जितना जितना निकल सके उतना हम लोग को निकाल लेना है। और ये हमारा निकल चुका है। फिर इसे भी हम बैंड कर लेंगे तरीके से। करीब करीब हमने इसे बैंड कर लिया इस तरीके से। फिर हम इसे इस तरह से रख देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम उठाएंगे इस मैचेस बॉक्स को और फिर इसे हम आग लगाएंगे। तो फटाफट से इसे आग लगाते हैं। इधर से भी लगा देते हैं। मुझे लगता है एक मैचेस से नहीं होगा, मुझे एक और जलाना पड़ेगा। और इसे जलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे चाहिए होगा मोमबत्ती, तो मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ जल्दी से। मैं मोमबत्ती लेके आ चुका हूँ। अब इस मोमबत्ती को जलाते हैं। इन दोनों को एक तरह एक दूसरे में टच करते हैं, फिर मोमबत्ती को जलाते हैं, फिर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस मोमबत्ती को जला दिया है। फिर
मोमबत्ती को आग लगाते हैं धीरे धीरे। शायद ये मोमबत्ती से नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम इस पेपर का इस्तेमाल करेंगे, मैचेस बॉक्स के पेपर का। डालते हैं, इसको इसी पे हम रख देते हैं। थोड़ी देर में हमारा केमिकल तैयार हो जाएगा, फिर हम हाथ से स्मोक को निकाल के दिखाएंगे। करीब करीब हमारा केमिकल तैयार हो रहा है। धुआं बहुत सारा हो रहा है, होने देते हैं धूप। ये हमारा रेड पास पूरा से जम चुका है, चला है। तो हम हाथ से धुएं को निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमें हाथ अच्छे से साफ करना पड़ेगा, तो हम हाथ को साफ कर देते हैं। ये हमारा है, इसे हमें हाथ में लगाना पड़ेगा प्रकार से। ऐसे रगड़ना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ से धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। शायद रिएक्शन खत्म हो गया। हमें इस तरह से रब करना पड़ता है हाथ को। फिर और भी केमिकल हमारे पास बचा हुआ है, उसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और रख करते हैं इस तरफ, देखिए हमारे हाथ से ये धुआं निकल रहा है। शायद से आपको दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा ये धुआं। हमारा रिएक्शन ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इस केमिकल के बारे में कि कैसे ये रिएक्शन हुआ, हमारे हाथ से कैसे धुआं निकला। तो ये हमारा धुआं इसलिए निकला क्योंकि वो जो हमने ये जलाया हुआ है मैचेस का, ये इसमें रेड फास्फोरस रहता है। तो रेड फास्फोरस और एक वाइट फास्फोरस होता है, तो वाइट फास्फोरस इतना ख़तरनाक होता है कि उसे हम लोग पानी में रखते हैं। जैसे ही हम उसे बाहर निकालें तो वो तुरंत जल जाता है। तो हम अगर इस रेड फास्फोरस को जला के अगर उसके धुएं को इकट्ठा करके और हाथ से रफ करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है वाइट फास्फोरस में। तो हमारे हाथ पे जो वाइट फास्फोरस लगा था उसे हमने रफ किया और वाइट फास्फोरस बहुत हल्का हल्का रिएक्शन करके हुआ था, बहुत कम 0.0 में की मात्रा में ये हुआ था, इसलिए इसकी जलन हमें महसूस नहीं हुई। और ये हमारे हाथ पे जल रहा था इसलिए धुआं निकल रहा था, और इसका जलन हमारे हाथ पे महसूस नहीं हुआ। तो अगर आपको हमारा एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।